आगे निकल गए हैं और 18 नंबर के प्लेयर के द्वारा फिर से रिबाउंड करने के बाद वापस आ गए और इस तरह से रेड लाइन के आसपास बन जाता हुआ एक नंबर के प्लेयर जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाता हुआ जिग-जैग पैनल पर, लेकिन बहरहाल जो सेंटर और राइट विंगर लेफ्ट विंगर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सहायता देते हुए एक दूसरे को मदद करते हुए जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वॉकर काबिल तहसीन है। और इस तरह से फेस ऑफ एरिया से आगे निकलकर फिर से राउंड कॉर्नर पर के वहां पे हल्की सी लुढ़क गई थी, वहां पे कटा गए थे और इस तरह से पहले मेंटेन न रख पाए शिखर के लिए बहुत ही खतरे का दौर साबित हो सकता है। बहुत तेजी से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वापस आगे की गई है, फिर से एक बार बढ़िया मौका हो सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर से वापस आ गए हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं चलने वाली टीम जिसमें कि अनवर हुसैन जैसे इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि किसी भी तरीके से पत्नी गली ढूंढ कर और कुछ भी करके बॉल करने की असाध कोशिश कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ही लंबी छुट्टी और यहाँ पर से 200 शॉट के आप कह सकते हैं फायदा हुआ नहीं और हल्के दिक्कत हो गई थी। अकबर अली 19 ऑफ कर लेंगे और उसके बाद फिर कहीं ज्यादा निकलता हुआ 12 नंबर और 88 नंबर के प्लेयर के बाद बॉल मिट्टी की जगह शॉट सिर्फ कर ली थी और इस तरह से फिर से एक बार कम पेन पास करते हुए आगे की तरफ बढ़ गए थे और इस तरह से कॉर्नर। हमें वो दिन याद है, वो पल याद है जब सभी क्रूज को रोका था, क्षमता है इसके अंदर किसी भी चुनौती को फेस करने के अभी दिमाग के अंदर, साथ में पश्चिम की गोली की जितनी भी सारी कार्यक्रम है और अभी तक जितने भी हमले हुए हैं दोनों गोली ने अच्छे रेफर करते हुए अपनी टीम को बचाया है। फिलहाल दोनों के का खाता अभी छोड़ना बाकी पश्चिम के लिए भी और शक्कर चिकन के लिए भी। यहाँ फिर से पक्को वापस यहाँ फॉरवर्ड शूट करने में कामयाब जरूर हुआ है पश्चिम के खिलाड़ी के द्वारा। सर क्या कहना चाहेंगे इंतजाम को लेकर और यहाँ आप लोगों ने इस खिचड़ती ठंड में आप लोगों ने जब रिंग तैयार किया है आपकी एक बहुत ही बेहतरीन मौका था हुआ शक्कर चिकन के लिए, लेकिन उतनी ही शानदार डिफेंस का मुकाबला करते हुए पश्चिम यहाँ शक्कर से फॉरवर्ड निकलने मौका भी नहीं शिकार शक्कर चिकन के पास, लेकिन जिस तरह से बहुत ही तारीफ के काबिल बहुत ही अच्छा मुकाबला यहाँ चलता हुआ। अपने जज्बात पे काबू रखना होगा प्लेयर्स को और ड्यूरिंग द प्ले इस तरह के एग्रेसिव होना एक सीनियर प्लेयर को शोभा नहीं देता और जब जगदीश शाह जैसे प्लेयर टीम के अंदर मौजूद है, कलबी हुसैन जैसे प्लेयर टीम के अंदर मौजूद है पालन करना होगा। अगर पहले प्लेयर फेल्स टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन दो प्लेयर के बीच में फिर से पक को ड्रॉप करके 11 नंबर खिलाड़ी भी पक को आगे लेने की जरूर कोशिश किया लेकिन सफलता नहीं मिली है। 12 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ा है पक को कंट्रोल करते हुए कोने से जिग-जैग मोड में आगे बढ़ाने की कोशिश किया था लेकिन यहां अभी भी एक मौका शिखर चिकन के पास है फिर से यहां उसे बचती हुई बहुत ही बेहतरीन गोलकीपिंग का मुजाहरा करते हुए पश्चिम के गोलकीपर के द्वारा 11 नंबर की खिलाड़ी जरूर आगे बढ़े लेकिन उससे पहले कि पक को कंट्रोल कर पाते हैं वहाँ चिकन के खिलाड़ी आगे बढ़े फिर से एक मौका जरूर आया है यहाँ शूट के सहारे यहाँ गोल करना चाह रहे थे लेकिन गोलकीपर इसको रोकने में फिर से कामयाब। बहुत ही बेहतरीन खेल का मुजाहरा चिकन के खिलाड़ियों के द्वारा अभी भी अटैकिंग जोन में फिर पक को कंट्रोल करके रखने में कामयाबी हासिल किया। यहाँ पर एक सहारे पक को अपने अटैकिंग जोन में लेकर जरूर आया है वहाँ सीधा शूट हो रहा था लेकिन हबीब उल्लाह ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वहाँ तारीफ के काबिल बहुत ही फौलाद की दीवार की तरह खड़ा है वहाँ हबीबुल्ला शक्कर चिकन की गोलकीपर। यहाँ फ्रंट पश्चिम है की गोलकीपर भी बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ अभी भी गेम दोनों के पक्ष में दोनों को अभी खाता मुहिबुर रहमान और हिलाल अहमद इस मुकाबले के रेफरी के फरज अंजाम दे रहे हैं। 11 नंबर के खिलाड़ी पक को कंट्रोल करके आगे बढ़ाना चाहते थे लेकिन यहाँ एक शूट जरूर हुआ है फिर से रोकने में कामयाब। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस गोलकीपर के द्वारा उसको साफ निभाने के लिए वहाँ 86 नंबर के खिलाड़ी उसके ऊपर चपके कारण तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शक्कर चिकन फिर से पक को कंट्रोल करते हुए 10 नंबर की खिलाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से एक लंबी शूट के सहारे यहाँ फॉल कंट्रोल कंट्रोल
कंट्रोल है। बहुत ही बेहतरीन माहौल में ये मुकाबला आगे बढ़ रहा है और इस माहौल को बदत से जारी रखना है। अभी वेल डिसिप्लिन्ड मैनर में ये गेम आगे बढ़ता हुआ 97 और 12 नंबर के खिलाड़ी के बीच में पक छोड़कर लेकिन यहाँ तक जैसे चेंज हुआ है और जिस तरह से उनकी जो स्टांस है पोजीशन है उससे थोड़ी सपोर्ट को मिल हुआ है, इसे चेंज करके 11 नंबर और 55 नंबर के खिलाड़ी के बीच में ड्रॉप करके फिर से गेम को शुरू किया गया है। 11 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ा पक छीनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती हुई। यहाँ चिकन की 55 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ा है, पक को छीनने में जरूर कामयाब लेकिन फिर से यहाँ सचिन के खिलाड़ी के पास यहाँ से अटैकिंग की तरफ देने की कोशिश में यहाँ 33 नंबर के खिलाड़ी एक लंबी शूट के सहारे यहाँ कामयाब गोली के द्वारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत स्पीड दिखाते हुए शक्का कीर्तन की खिलाड़ियों के द्वारा ओए होए होए फिर से 12 नंबर की खिलाड़ी के पक्ष पर आया है। लिग्रे गोल में आगे बढ़ाते हुए डिफेंस में शबीर शाह मौजूद लेकिन यहां सफलता नहीं मिलती हुई, दूसरे प्लेयर का साथ नहीं मिलता हुआ फ्रेंच पश्चिम के लिए। और जिस तरह की अटैक शक्का कीर्तन ने इस हाफ में किया है और उसका भरपूर डिफेंस किया है यहाँ धोनी के द्वारा फिर से यहाँ अटैकिंग जोन में पहुंचा हुआ 99 के द्वारा फिर से पक को कंट्रोल करते हुए आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अटैकिंग जोन में है चिकन के पास, एक और मौका अभी भी है। करना और पक को कंट्रोल करना फिर इसके बाद अपने दूसरे खिलाड़ी को देखकर उसकी तरफ पास करना बहुत ही अच्छी प्रदर्शन टीम की यही एक टीम के जैसे ही मौका मिला उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और पुणे से एक शूट करने में कामयाब से यहां से आगे करा गोल नहीं हुआ था। और आखिरी जो दूसरा 15 मिनट का जो हाफ है उसमें 1-0 की बढ़तरी यहां हासिल हुई है फ्रेंड पश्चिम एक को। अब इस गोल की करने के लिए किस तरह का रोल यहाँ निभाते हैं हॉकी क्लब शक्ल सिकन अभी भी शक्ल सिकन के खिलाड़ियों के पास इनके हौसले काफी बुलंद है। जब तक नबी और शफीर का हबीबुल्लाह जैसे प्लेयर अपने कब्जे में लिया वहाँ हल्का सा शूट दिया यहाँ 22 नंबर के खिलाड़ी पक को अपने कब्जे में लेने में नाकाम रहे। पक जो अभी भी गोल पोस्ट के पीछे पश्चिम के खिलाड़ी ने एक लंबा शूट दिया यहाँ से लेकिन धीरे धीरे पछाते हुए वहाँ 2 नंबर 12 नंबर का खिलाड़ी पश्चिम के लिए पक को अपने कब्जे में अभी भी लिए हुए हैं। ऐसा की टीमों के दरमियान दोनों हमने पहले कहा था दोनों टीमें जो है काफी मजबूत है काफी सीनियर है कप जमा के अंदर फिर से नवी पक्को धीरे धीरे अपने सामने लेते हुए यहाँ से आगे चल रहे नवी चूक गए नवी पक्को अपने कब्जे में नहीं ले सके। एक मौका रहा मनु था नबी के पास अगर और 1-2 कदम पक मशहूर देते वहां मुश्किल हो सकता था फ्रेंड पश्चिम एक के लिए। और जिस तरह का तेरा गोल सिकोर होल में चला के वहीं शबीर शाह ने एक लंबा शूट दिया यहां कॉर्नर पे वहां खिलाड़ी तैनात था हॉकी क्लब शक्ल सिकन का। नबी और शबीर शाह जो है कोशिशें यहाँ जारी रखे हुए हैं और दूसरी जाने का है रंग बहुत मेहरबानी गोल पोस्ट के पीछे जितने भी लोग हैं वहाँ से हम लोग हटे तो शीड़ो
और पुलिस डिपार्टमेंट के जो जवान उनसे हमारी गुजारिश है, जो वहाँ एंड गोल गोलकी के पीछे जिनने बहुत बढ़िया के गोल गोल में जिनने मेहरबानी सब इंस्पेक्टर कोई भी आउटसाइडर वहां ना रहे मेहरबानी। तो किसी को महामपत्ति हो और शानदार मुकाबला यहां पे दो शिविर की बढ़तरी यहां हासिल है। फैन पश्चिम एको और आइस हॉकी शक्ल शिकल को यहाँ एक या दो गोल इसी हाफ के अंदर करने होंगे, नहीं तो समय निकलता जाएगा, समय बीतता जाएगा, मुश्किलें यहाँ पर सकती है शक्ल शिकल के लिए। अभी भी नबी और शब्बीर शाह मैदान के अंदर जुड़े हुए हैं एक या दो गोल करने के लिए, लेकिन यहाँ जब एक या दो गोल अगर यहाँ पर करते हैं तो फिर एक बार जो है काफी आगे कॉर्नर पे पहुंचा गया है फैन पश्चिम की जानिब से 10 नंबर की लेकिन आखिरी लोगों में वहां गोल की हबीबुल्ला ने गोल करने से बचा लिया। एक बड़ा योगदान देते हुए हबीबुल्ला आई शौकी शक्ल शिकल के लिए नंबर लिया शब्बीर शाह ने, लेकिन आखिरी लोगों में क्यों कहे शब्बीर शाह, जब तक शब्बीर शाह और नबी मैदान के अंदर है आइस हॉकी रिंग के अंदर है कुछ भी यहाँ हो सकता है। एक बड़ा हमारे यहाँ फिर से चल गया फैन पश्चिम के लिए, अभी भी पक्को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। 22 नंबर के खिलाड़ी ने नंबर शूट किया, वहां कॉर्नर पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था फैन पश्चिम के लिए। दूसरा जो 15 मिनट का हाफ है वो यहाँ इस वक्त चल रहा है इन दोनों टीमों के दरमियान, दो गोल की बढ़तरी यहाँ हासिल। हमने पहले कहा था क्योंकि दोनों टीमें काफी मजबूत है, काफी सीनियर है, काफी नॉलेज है, कांटे का मुकाबला यहाँ जरूर रहेगा, वही मैच यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ से आगे का हम सुनाएंगे साथी को मिली अटैकिंग जोन पश्चिम के लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद सुंदर साबित हो सकता है, लेकिन रिव्यू दो आसानी से उस एरिया में बटेंगे नहीं देंगे। और शब्बीर अहमद शाह जो कि बहुत ही बेहतरीन और मंजे हुए खिलाड़ी हैं चिकन की जानिब से और अपने हिसाब से भरपूर कोशिश किए और इस तरह से नेक्स्ट के इस्तेमाल प्लीज पर्सनल से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे प्लीज नतीश से एक बार बढ़िया मौका आ गए आप पश्चिम के लिए यहाँ पे अटैकिंग जोन और इस तरह से फिर से एक बार मुमकिन है कि 11 नंबर के प्लेयर काफी भाग देती है एक नंबर खुदा के लिए मेहरबानी ऐसी हरकतें यहाँ पे न करें, ये नहीं होनी चाहिए जो यहाँ हो रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट के जवान सबको बाहर करें, पुलिस डिपार्टमेंट के जवान यहाँ इसको आउटडोर हमलों को बाहर करें, मेहरबानी जितने भी आउटडोर है सबको बाहर करें और आउटडोर हमलों आप लोग अंदर न जाए मेहरबानी। ऐसी हरकतें करते हैं आप लोग इतनी हरकतें आप साइड ऑफ न करें यहाँ पे, आप लोग मैच देखने हैं मैच देखें, आप लोगों को किसी ने यहाँ दावत देके नहीं बुलाया है,
ऐसी हरकतें ना करें आउटसाइडर। फिर से मैच यहाँ शुरू होगा। दो गोल की बढ़ोतरी यहाँ हासिल है और जिस तरह का भाईचारे से यहाँ खेल रहे हैं, जिस तरह भाईचारे के साथ मैच का यहाँ आगाज हुआ है वो एक काबिल तारीफ। दूसरा हाफ यहाँ पे फॉर्म में आ गए हैं, अभी तक अगर इसी फॉर्म में ही रहा है तो बहुत कुछ कर सकता है। आखिरी 15 मिनट का हाफ यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। 15 मिनट की इस क्वार्टर में क्या कुछ कर पाते, बहुत बढ़िया मौका था वहाँ पे शिथिल अवस्था के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस तरह से हल्के से चूक हो गई थी। बहुत ही सुंदर साबित हो सकता है और इसके यहाँ पे फेस ऑफ फेस सर्कल के पास फिर से एक बार ड्रॉप करने के बाद बढ़िया मौका हो सकता है। 11 नंबर के प्लेयर के द्वारा वहां पर जीतने की कोशिश करनी थी, ब्लू लाइन से आगे निकलते हुए और इस तरह से नली उत्तमान फिर से 88 नंबर के प्लेयर के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से स्नैप शॉट मारी थी, हल्के से चूक हो गए थे और इस तरह से नेट खचा खच पड़ा हुआ और मौसम भी काफी अंदर खुशगवार है अली भाई और इस तरह से नुकते इंजुआत से नीचे की तरफ गिरे हुए हैं और कल रात को तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस यहाँ पे दर्ज की गई और इसका ये फायदा रहता है कि मोहित रबर डिस्क होते हैं वो स्टक हो जाते हैं आगे की तरफ, अच्छे से चलते नहीं बहाल फिर से अगर चले जाते हैं आगे की तरफ तो फिर उस प्लेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका रहता है। 11 नंबर के जैसे प्लेयर यहाँ पे कल भी उसे 1 नंबर के प्लेयर जो कि कैप्टनशिप की जिम्मेदारी लिए हुए पश्चिम की टीम की कयादत कर रहे हैं और इस तरह से आगे चलते हुए फिर से बड़े मौका हो सकता है पश्चिम के लिए क्योंकि वहां पे अटैकिंग कौन जब पहुंच गए लेकिन नबी उज्जमान ने फिर ड्रॉप कर दिया और फिर से एक बार शिथिल अवस्था के द्वारा आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से 22 नंबर के प्लेयर अजहर अली के द्वारा वहां पर छिड़ी गई फिर से रॉन्ग कनेक्ट कैच वापस आ गए और वहां पर से घूमते हुए खतरा बन जाता हुआ बहुत ही खतरा है अब यह खतरा सर गए फिलहाल के लिए। 2 नंबर के प्लेयर के द्वारा फिर से ब्लू लाइन से आगे निकलकर 11 नंबर के प्लेयर अजहर अली के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाता हुआ लेकिन वहां पर जान की बाजी लगाकर भारी भरकम नेट माइंडर की बहुत ही बेहतरीन और मंजूर खिलाड़ियों पर मबनी है ये टीम, इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। फिर से एक बार वहां पे रेफरी के द्वारा पक फेंकने के बाद यहाँ पे ये चेता नहीं चलता हुआ फिर से अटैकिंग जोन में पश्चिम के लिए बहुत बढ़िया मौका हो सकता है और वहां पे फॉरवर्ड डिफेंडर जो बैठे हैं अटैकर जो बैठे हैं उसने राइट विंगर लेफ्ट विंगर सेंटर फॉरवर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जिदारी के उम्मीदवार है यहाँ पर डालते थे संतुलन बिगड़ गए थे और इस तरह से लुढ़क गए फिर से 1 नंबर और 11 नंबर के प्लेयर के बीच फिर से बड़ा मौका हो सकता है अफजल अली के लिए। कल भी उसे क्या कुछ कर पाते हैं नहीं होंगी और इस तरह से कॉर्नर फाइट चलता हुआ फिर जवाब इस तरह से दिख जाए नैनर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से 88 नंबर के प्लेयर के द्वारा ब्लू लाइन से आगे निकल गए लेकिन नबी उज्जमान इतने आसानी से काम होने नहीं देंगे और आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल जो है वो यहाँ पे फ्रेंड पश्चिम ए और स्पोर्ट्स क्लब शकर चिकन के बाबे बहुत ही बेहतरीन मैच यहाँ पे बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है। 2 पॉइंट जैसे ज्यादा बॉल नहीं है और उसमें ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होगी, नबी उज्जमान इतनी आसानी से अंदर ये देखने लायक होंगे और चोट भी लगी थी तो खुदा ना खाता आप लोगों के साथ फिर से ऐसी चीजें जो हुआ वो रिपीट ना हो जाए प्लीज आप लोग कॉपरेट करें हमारे पुलिस पर्सनल हमारे पुलिस जवान को नबी उज्जमान के द्वारा बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर से आगे शूट करने की कोशिश करी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपने हिसाब से काफी कोशिश करनी थी आगे से निकल गए थे और इस तरह से पत्नी गली ढूंढते हुए आगे की तरफ निकल गए थे फिर से एक बार बढ़िया मौका हो सकता है शिथिल अवस्था के लिए यहाँ पर से रेड लाइन से आगे निकल गए फिर से एक बार नबी के कब्जे में बहुत बेहतरीन तरीके से शूट करने की कोशिश करी थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि स्लैप शॉट मारने के लिए जो है बाकी बहुत मौका हुआ बता फिर से एक बार सबके लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है। 22 नंबर का प्लेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे लेकर आ गए थे लेकिन यहाँ पर से अटैकिंग तो वहां पर जाना पड़ा उनको ज्यादा मौका हुआ नहीं और आज की कंडीशन जो फिलहाल के लिए बहुत ही बेहतर है बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता था यहाँ पर चिकन के लिए लेकिन हल्के से चूक हो गई थी मौका नहीं हुआ और इस तरह से फिर से एक बार सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं रेड लाइन से फिर से एक बार बढ़िया मौका हो सकता है 2 नंबर के प्लेयर के द्वारा और यहाँ पर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्नैप शॉट करके आगे जाकर शायद इतनी आसानी से होने नहीं देंगे ऐसा लगता है बिल्कुल लेकिन ऐसा हुआ नहीं फिर से एक बार वापस वापस आ गए हैं चिकन को ज्यादातर मेहनत करने की जरूरत होगी क्योंकि टाइम बीतता हुआ आप चिकन के हाथ से मैच निकलता हुआ तकरीबन दिखाई दे रहा है नबी उज्जमान इतने आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं और शिथिल अवस्था अपने हिसाब से बहुत कोशिश करेंगे पश्चिम कुछ ज्यादा ही पूरी तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है
आज देखेंगे कि पशु अगर इस पे फिर आगे सेमीफाइनल के लिए वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ग्यारह नंबर की बहुत तेजी से शूट कर दिया गया था, अटैकिंग जोन में चिकन के लिए बहुत बढ़िया मौका था और इस फिर तो वापस आ गए। 22 नंबर आउट के द्वारा वापस आ गए हैं बहुत ही मेहनत करते हुए। 1 नंबर की प्लेयर के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर चलता हुआ और हाथ से जाने नहीं देंगे और इस तरह से जिसमें कि अनवर जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर है तो वो जितना भी हो सके बेहतरीन तरीके से खेल को अपने हाथ में लाकर गेम को अपने हित में बराबर रखने की कोशिश करेंगे। फिर से बढ़िया मौका आ सकता था यहाँ पर से ब्लू लाइन आगे निकल गए फिर से खींचा तरी करता हुआ 44 नंबर के प्लेयर के द्वारा वहां पर टकरा हो गई थी और इस तरह से हल्के से एलबो हो गए थे जरूर। फिर से यहाँ पर मौका आ सकता है पश्चिम के लिए 44 नंबर के प्लेयर वहां पर से राउंड में नेट चेंज वापस चले गए थे फिर से वापस आ गए हैं। यहाँ पे मौका हो सकता था 55 नंबर के चिकन की प्लेयर के लिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 11 नंबर के प्लेयर बहुत ही तेजी तरीके से वापस छीनने की कोशिश कर रही थी आसान अली बारी परकम काफी कदो खामत वाले पश्चिम फ्रेंड्स ए को लीड करने वाले बहुत ही बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं और उनके द्वारा यहाँ पर से हल्की सी स्वीप करनी थी और इस तरह से आगे बढ़ाने कामयाबी हासिल कर ली। 11 नंबर के प्लेयर के द्वारा फिर से आसपास रखता हुआ जितना भी हो सके ज्यादा ज्यादा टाइम पास कराने की कोशिश कर रहे हैं और चिकन को इस चीज को क्योंकि वक्त की कमी जो है वो अच्छे से महसूस कम समय में 2 या 3 गोल करने की आप जरूरत पाएंगे। लेवल स्कोर करने के लिए आपको 2 गोल करने की जरूरत होगी लेकिन पश्चिम इस तरह से होने नहीं रहेंगे जितना भी हो सकता है पास करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेयर आगे निकलते हुए पश्चिम 12 नंबर के प्लेयर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 11 नंबर के प्लेयर के द्वारा यहाँ पर 5 होल से बाहर हो जाना ये तो फिर तय है इस तरह से हो जाते हैं इंसान लेकिन इन चीजों में ज्यादा ज्यादा जितना भी हो सके अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना जरूरत पड़ता है और जितना भी हो सके अपनी जज्बात पर काबू पाकर चलने की जरूरत पड़ता है। क्या हवाले करते हैं क्या कुछ कर पाते हैं नबी जबान इस साल नबी जबान को ज्यादा चलता हुआ नजर नहीं आ रहा अली भाई। अब नबी जबान पिछले साल इस तरह से हावी रहते थे वो वन मैन आर्मी जो है वो माने जाते थे लेकिन इस साल इस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा शायद से उम्र का तकाजा होगा क्योंकि काफी हद तक भारी भरकम होता हुआ नजर आ रहा है। बारह नौजवान खिलाड़ी है उबरते हुए खिलाड़ी है 11 नंबर के प्लेयर बहुत बढ़िया मौका हो सकता है और फिर एक बार वहां पर खेल ली गई थी और पास में ही बहुत पीछे के आसपास में मंडला रहे थे लेकिन इस तरह से होने नहीं दिया तबीर अमित शाह के कब्जे में आ गए फिर से एक बार और वक्त बीतता हुआ चिकन के हाथ से तकरीबन सेमीफाइनल का दूसरा मैच जो है वो तकरीबन निकलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इतनी आसानी से हार मानेंगे नहीं और इस तरह से फिर से एक बार फिर लाइन से आगे निकल गए बहुत बेहतरीन तरीके से हमने स्ट्रोक खेल मारी थी हल्की सी चूक हो गई और इस तरह से फिर से निकल गए। 22 नंबर के प्लेयर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने शूट करने की कोशिश कर ली थी लेकिन नेट के ऊपर से निकल गए फिर से एक बार बहुत बढ़िया लंबी थी और रोका गया फिर से बहुत बढ़िया तरीके से स्ट्रोक खेल मारी थी। आज लगता है कि इतनी आसानी से पश्चिम जो है वो गेम को अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे अगर करते हैं बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। 1 नंबर के प्लेयर की द्वारा कल भी उनसे क्या कुछ कर पाते तो ये तरीके से आप उनके राउंड में वहां पर शूट करने की कोशिश करी थी 10 नंबर के प्लेयर के द्वारा लेकिन हल्के सिक्यू हो गए और लड़के ऊपर से निकल गए और इस तरह से पश्चिम का एहतमान जो है अब बढ़ता हुआ काफी तक शकल सिक्चन के ऊपर जो दबाव है वो बरकरार बनाए रखे हुए हैं फ्रेम पश्चिम ए और जितना समय निकलते जाएगा उतना हौसले बुलंद रहेंगे फ्रेम पश्चिम के और शुरू में ही यहाँ 2 गोल किए फ्रेम पश्चिम ने वही दबाव बरकरार बनाए रखे हुए हैं। फ्रेम पश्चिम फिर से वहां एक बड़ा हमला चल गया शकर सिक्चन के लिए और मैच में अपने नाम करने में कामयाब रही पश्चिम ये मैच अपने नाम करने में कामयाब रही और सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही फ्रेन पश्चिम पहुंचा 2 टीमें सेमीफाइनल में जगह बना मामा पहुंच